नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज के में हम लोग खेलने जा रहे हैं एक नई गेम प्ले वीडियो। तो नई गेम प्ले वीडियो में शैडो फाइट के पास स्वागत है। शैडो फाइट का फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने एक बंदे के मतलब सारे बंदों को मार के उससे लड़ने जाना है आज हमें, और आज उसको हराना ही हराना है। तो गाइस आज को हराना पड़ेगा, और भाई ये पता नहीं क्या है भाई, कोई रेयर चेस्ट है लीगन की जिसे मैं स्टार्ट नहीं, पता नहीं क्या है, इसको मैं बाद में देखूंगा। और भाई अभी हम चलते चैप्टर वन के मिशन पॉसिबल करने के लिए। भाई इसमें बोला देयर इज अ ग्रेट इक्विपमेंट एट द स्टोर, यू कैन अफोर्ड इट, रिमेंबर बेटर इक्विपमेंट्स मीन्स ईजियर फाइट। पर भाई हम लोग ना नॉर्मल इक्विपमेंट से भी जीतेंगे, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस और भाई एक और चीज़ भाई ये जरूरी नहीं है कि बस वेपन आपको तगड़ा होना चाहिए। तो भाई इसको पीट पाट के हम लोग ना मतलब इसका हलवा बना के ना बाजार में बेचेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। और यार एक और चीज़ बता दूँ तो यार जीडी वाली वीडियो के लिए थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट। वो भाई ये भाई की पावरफुल भाई डेंगू रॉय नाम है भाई बंदे का। भाई उसने सच्ची कहा था उसे पावरफुल है, क्योंकि भाई ये उसका लीडर भी था यार। वाओ भाई मैं अपनी लाइफ में नहीं कर सकता यार, भाई बहुत पावरफुल है। ओ भाई गाइस वो बहुत ज्यादा पावरफुल है यार, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है यार कोई। भाई तीन राउंड का मैच है। ओ भाई तो मेरा कितना कर रहा है, पर यार अपने पास कुछ खास वेपन्स भी नहीं है इसको मारने के लिए। सही कहा था यार, ये बहुत पावरफुल है। और भाई बस मतलब ये था पावरफुल, तो शेडो भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, तो आप लोग सोच सकते हो। तो यार हमसे लड़ेंगे, हमको कॉन्फिडेंस है यार। भाई मैं लात मारने चला था तब गलती हो जाती है, मैं लात मारा ही नहीं जाना चाहता यार। जब लात मारो तो भाई हम फिर हार रहे हैं इस बार ना, भाई बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। तीनों के तीनों राउंड यार जीतने पड़ेंगे यार, इतनी पावरफुल भाई बंदा है। भाई दो मिनट में भाई मेरे को वेपन नहीं है, पर कोई बात नहीं यार, अगर हार गए तो नया वेपन खरीदना ही पड़ेगा भाई। और उसका वेपन देखो भाई, उसका आर्मर देखो भाई, ये भाई स्टार्ट किक के साथ करता है उसका मोस्ट। ओ भाई भाई और अपनी स्वॉर्ड की कुछ खास। ओ भाई ये ले गया भाई, ऐसे कैसे ले जाओगे भैया। हेलो भैया, भाई ये देखो भाई, ओ भाई भाई ये भी कुछ शेडो वेडो गई, मुझे लग रहा है कि इसने भाई शेडो याद करने में कुछ तो मदद कर रखी है, तभी इतना पावरफुल है भाई, डेंजरस है, इससे दूर रह के खेलना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता ये मुझे कोई। भाई भाई ले गया भाई, हरा दिया उसने भाई यार, हरा दिया यार उसने सच्ची। उसने सही बोला था यार, मुझे वेपन्स अच्छे गुड करने ही पड़ेंगे तभी कुछ होने वाला है। ट्राई अगेन, यू कम हियर हिम, आई एम श्योर यू कैन डू इट, ओवरकम, ओके ओके कंटिन्यू। तो भाई इस बंदे को भाई हम पे पूरा भरोसा है भाई, हमें यार अपना आर्मर भी थोड़ा पावरफुल। तो गाइज अभी हम अब हमें ना यार कुछ और भी आइटम्स मार्केट में जाके खरीदने ही पड़ेंगे। पहले मैं ये देख रहा हूँ ड्यूल, तो भाई ड्यूल रेड मिल रहा है, ऑनलाइन बैटल है। तो मैं जा रहा हूँ यार सबसे पहले स्टोर में यार अपने लिए कुछ और भी चीज़ें खरीदने, और मुझे भाई उसके लिए अपने रूबीज बर्बाद करने पड़ेंगे, मुझे पता लग गया है। और भाई यहाँ पे पता नहीं कुछ कलेक्शन हैं जो यहाँ पे कुछ कलर के पता नहीं क्या। भाई ये तो यार कोई सिम भाई, ये कुछ ये भाई लीगन है, और भाई बाकी सबका भी कोई मतलब है। और भाई मुझे इनका क्या भाई इनके नाम ही नहीं आ रहे, ये तो लीगन है यार। भाई लीगन तो मेरे को पता लग चुका है, पर यार ये पता नहीं खुलने में इतना टाइम भी लगा रहा है। ओके गाइस तो ये है अपना लीगन, और यार ये पता नहीं, तो ये तो लीगन है गाइस सारा अपना। और भाई ये हमें रिवार्ड देगा भाई 4000, पता नहीं कस्टमाइज कुछ ऐसे कुछ है, पता नहीं क्या है अभी यार मैं छोड़ पर, ये भी पता नहीं क्या, ये भी पता नहीं क्या क्या खुल नहीं रहे हैं, बाद में देखेंगे। पर सबसे पहले स्टोर कहाँ गया यार, स्टोर भी तो यहीं कहीं होता था अपना आसपास में आइटम्स। हाँ भाई ये रहा अपना स्टोर, और गाइस ये रही अपनी मस्त मस्त आइटम्स जो हम यहाँ से खरीद सकते हैं। वाओ तो गाइस यहाँ पे पता नहीं एक स्वॉर्ड मिल रही है जो भी नई नई आई है। भर भाई मैं 15 जेम्स खर्च कर सकता हूँ, और भाई मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसा कहते हैं कॉस्ट्यूम थोड़ा और एपिक ले लेते। एपिक क्या भाई यहाँ पे सारे ऐसे ही लग रहे हैं मुझे तो। भाई ये 380 का भाई अपने पास पड़ा हुआ है,
और भाई 130 का। तो यार मैं स्वॉर्ड तो सोच रहा हूँ मेरे को मिल जाएगी, पर यार मेरे को कोई ढंग का कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा। अरे भाई रेयर लीगन, तो भाई मैं बोल रहा ऐसे ऐसे करके फाड़ना पड़ता है। 11 पीस, ओके। तो इसने हमें पता नहीं यार क्या क्या दे दिया है, क्योंकि तो भाई और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं दिया, कुछ खास नहीं दिया। टू इक्विप में चलते हैं। तो भाई जिसने इसको पावरफुल किया है तो मैं ये पहन लेता हूँ भाई, मुझे उससे लड़ाई करते हुए पहनना ही पड़ेगा। और ये अपना आर्मर है यार, इसको ही लेना चाहिए था मुझे। ये अपना आर्मर है और भाई ये अपनी स्वॉर्ड है, और भाई एक अपनी ये वाली स्वॉर्ड है। और भाई ये ज़्यादा पावरफुल है, हाँ भाई ये ज़्यादा पावरफुल है उस वाली से, उसकी 77 है भाई। ये ठीक है भाई पावर में, फिर ये तो भाई बहुत तगड़ी है। पर मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना मैं वो वाली स्वॉर्ड ले लूँ जो यार, मतलब ये भाई कुछ इन्होंने फिर से प्राइम की मेंबरशिप देना स्टार्ट कर दी है। आप लोगों को लेनी है तो लेना, 75 रुपये की बनी क्या। ओके गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली स्वॉर्ड निकलवा लूँ। 103 की मुझे इसकी पावर लग रही है। मुझे कार्ड मिलेगा उसका, कोई कार्ड मिल रहे हैं यार ये, मतलब पूरा सेट नहीं मिल रहा भाई, कार्ड मिल रहा है, रहन दो भाई, बर्बाद भी करने हैं। और भाई वहाँ पर एक और चीज़ थी यार, पता नहीं क्या थी, मैं देखना भूल गया यार। ये पता नहीं यहाँ पर कुछ, ये क्या है पता नहीं क्या यार, 120 का खरीदते हैं। डू यू रियली वांट परचेज? ओके न्यू आइटम, कॉमन 100 स्वॉर्ड। ओके कॉमन 100 स्वॉर्ड, ठीक है मेरे पास आई है, देखता हूँ। कॉमन 100 स्वॉर्ड में भाई कहाँ है भाई, आ गए करने। 95 है भाई इसकी पावर, 95 है। वाओ यार ये मुझे लग रहा है कि मुझे उसके पास लड़ाई करने चल जाना चाहिए। और भाई इस बारी भाई हम उसको टक्कर देंगे और उसको हरा कर दिखा देंगे कि तू भाई अपने को जो समझता तू वो है नहीं, ठीक है। तो भाई उसकी बैंड बजाने वाले से टिप टिपल पूरी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसकी ऐसी की तैसी है भाई इस बंदे की, इसने मुझे मारा कैसे यार, मुझे इतना ये पता लग जाए कि इसने भाई मैंने इतनी अपग्रेडिंग्स की है। डैंग राव तेरी तो मैं बचाऊंगा, ये शेयर है किसी और, ठीक है मेरा बस तेरे ओ अच्छा भाई। इसका ना वेपन भी बहुत पावरफुल है, इसका आर्मर भी अच्छा है, मतलब इतना पावरफुल आर्मर नहीं है भाई, समझता भाई क्या है यार, चल इधर है मार उसको भाई, मार तो सही। जिस मर्जी एम्पायर का जो मर्जी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरे को बेटा उठने को नहीं मिलता, मैं भी अंदर नहीं पाऊँगा भाई, उसको मैं मार जरूर सकता हूँ पर सिस्टम कुछ और ही है। ओ भाई ड्रैगन फोर्स, यहाँ पे भाई नारुतो वाले काम कब से स्टार्ट हो गए भाई, इन्होंने ना एनिमे स्टार्ट कर दिया बीच में, मुझे मारना पड़ेगा, मार सकता हूँ बट भाई थोड़ी सी टेंशन। भाई मार दिया भाई, मार दिया भाई, मार दिया यार, आखिर मार ही दिया, बड़ी मुश्किल मारा है यार सच्ची। बैंड बच गई तो गाइस राउंड टू। और भाई उसने ना भाई डैंग बहुत पावरफुल इंसान है यार, पर जानता नहीं है यार अपने को भी, जब हमें जानता नहीं है कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया उसका मैंने वेपन वो बेचारा क्या लड़ेगा। ओ भाई पटकी भाई चौक्स ना वो कह रहा है, ओ निंजा हथौड़ी, इतनी तलवारें मार रहा हूँ, उसका आर्मर इतना पावरफुल है, उसके इतना डैमेज से बचा रहा है यार इसका। तो भाई अपना आर्मर दे देगा मुझे हारने के बाद, ये वादा कर, मतलब नया वाला ये तेरा तेरा नहीं पहनता मैं। ओ भाई जोक स्लैम, WWE भाई बीच में लोग खेलते हैं, मस्त यार मस्त, बहुत मस्त। अबे यार ये क्या हो गया गाइस, पता नहीं बीच में कोई ऐड आ गई उसकी, कोई टेंशन। ओ भाई तू ज्यादा नहीं कर रहा, ओ भाई ये कहाँ बड़ी है यार, बेचारे की पीठ में मार दी भाई इतनी जोर से, वो लात मारने आ रहा था यार तू इसको भाई, इसने मैं एक भाई हरा क्या दिया भाई, अपने आपको पता नहीं यार क्या समझने लग गया है। अब भाई मैं इसकी बहुत गंदी वाली बैंड बजाने वाला हूँ, सच कह रहा हूँ भाई इसकी तो आज मैं बहुत गंदी वाली बजाने वाला हूँ। आ जाओ मिस्टर डैंग राव, आपका जो भी नाम आओ, अब तू बेटा कब्जे में है, तू क्या मेरे को रे, तू क्या कुछ कह रहा था कि तू मुझे हराएगा, मैं भी चाहता हूँ मुझे हरा तू,
हराने की हिम्मत है? जानता है कौन तेरे से बंदे मेरे को? भाई नहीं, मैं मजाक कर सीरियसली। That's impossible. Yes, this is always possible, bro. You cannot beat me. मन तो करा तेरा मुंह में सबसे पहले तोड़ दूँ। भाई इसका डिफेंस और ब्लॉक काफी बढ़िया वैसे देखा जाए। इसी के साथ the name is John Cena. भाई खत्म, कहानी खत्म। और इसी के साथ भाई हमने रहा दिया है डैंग रॉक। और भाई हमसे बहुत ज्यादा फिगर रहा है, झगड़ रहा था। मैं तुम्हें रहूंगा, हरा के दिखा भाई, तू हमें ऐसे नहीं हरा सकता, ठीक है? क्या समझ रखा तूने हमें? नहीं पता नहीं क्या अपने आपको समझता होगा, पर भाई हमने जो है उसको हरा दिया और अपना लेवल अप हुआ है। कुछ नया सामान दे दो भाई लड़ने के लिए, ये पुराना हो गया थोड़ा सा। भैया जो बॉडी है मेरी ये सबकी अच्छी थी, पर भाई इन्होंने ना हेड हिट के 14 मुझे दे दिए, पता नहीं क्या भाई 14, 8, 5, 18। पर पैसे बड़ा कम देते हैं यार इनकी तो भाई, मैंने नहीं बोली वो भाई। एपिक भाई साहब क्या बात है, लेजेंडरी आइटम्स। तो भाई तुम्हें फटाफट जाके भी इक्विप्ड, गेट आउट ऑफ हेयर डेंगराव एंड टेल यूर एम्पायर डैट वी टेक आउट 10 डेनेट्स ऑफ एवरी सिंगल फेलन जून एम्पायर हैज नथिंग टू डू विद इट, बिलीव मी। शट अप, इट्स टाइम टू इंटरोगेट हर, बैक टू आवर कैंप नाउ। अभी भाई कुछ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अभी गाइस फटाफट देखते हैं कि अपने पास एक ये मुकुट सा है और अपने कवच सा है। ओ भाई कवच नया वाला आ गया, अपना पुराना वाला हमने रख दिया। और भाई 103 की पावर है, तो भाई ये अपने से पावरफुल सबसे भाई एपिक टू हैंडेड स्वॉर्ड, इसको इक्विप्ड करो यार। हमने एक नया आर्मर लिया है और एक नई स्वॉर्ड लिया, इसकी 141 पावर है, इसकी 109 और भाई इसकी है 9। भाई मैं सोच रहा हूँ कि इतनी पावरफुल स्वॉर्ड से लड़ूंगा भाई, बढ़िया रहेगा। अपनी एक रैपो रहेगी यार मार्केट के अंदर की, यार कौन यार। तो गाइस अब लोग हम लोग जा रहे हैं चैप्टर के आगे बढ़ने के लिए। ओके गिज़्मो सर, द कन्वेंस आर रेवोल्टिंग, दे वांट टू एग्जीक्यूट दिस डेमस एज साइन ऑफ रिवेंज फॉर डेमस्टे, वी विल एग्जीक्यूट हर, आई हैव स्टेशन हर, लेकिन आई हैव टू क्वेश्चन हर गेम्स एंड यू की गोवा। और भाई हमने ना ये वाला एम्पायर जो स्क्रीन अप किया, और भाई ये देखो ये है भाई बॉस एक्सपेरिमेंट वाली बैटल, पर हम अभी अपने चैप्टर पे हैं। ओके तो अपना कुछ भाई अपने आपको कुछ और भी ट्रीटमेंट सिखाए जा रहे हैं, तीरंदाजी ना सिखा दे भाई साथ में, पता लगे यहाँ पे युद्ध भी स्टार्ट हो गए। भाई ये तीरंदाजी भी सिखाने वाले हैं भाई, पता नहीं कोई एपिक डाउन ना सिखा रहे हो भाई, कुछ सिखा रहे होंगे मैं। ओके तो गाइस ओ भाई ये क्या है भाई, मेटल मैन आ गया भाई आज अपने सामने। बेटा जो स्वॉर्ड मेरे हाथ में है ना, ये बैंड बजा देगी तेरी। बेटा मेरी लाल में बोल जी, आगे आगे चल के मारना है। ओ भाई तू पंगे ले रहा है यार, कह नहीं रहा तू। ओ बेचारी की मुंडी भाई। और भाई बंदे का स्टाइल देख रहे हो तुम अपने करेक्टर का यार, अपना करेक्टर यार बहुत ज्यादा अच्छा और पावरफुल है। और उसका नाम भी भाई अपने नाम से ही है। आ जाओ। ये गाइस पता नहीं ना बीच में ऐड वो दे देते हैं। अच्छा फाइट आ गया, सुपरमैन पंच ऑफ वुमन मैन यार, मुझे वही वाला दाव मारना है मेरे से जो इसी खड़ा। तो बाय बाय मेरे दोस्त, ऑफेंडर नाम था भाई इस बंदे का, यू विन। तो खैर जिस हिसाब से अपने पास भाई भी बहुत तगड़ा सामान है, तो भाई अपने को हराने की तो भाई अभी कोई सोचने भी नहीं वाला। और गाइस अगर कोई पावरफुल आदमी आता भी तो उससे भी लड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस? तो मतलब मस्त रहेंगे, लड़ेंगे। और भाई इन्होंने हमें कुछ पैसे पैसे देने होते नहीं कभी चल के, भाई कभी लोग पैसे नहीं देते भाई, देखना अपनी दिहाड़ी बड़ी कम है यार सच कह रहा भाई। न्यू आइटम क्रूड स्वॉर्ड, तो भाई उसके लेवल अप हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। शेडो एनर्जी ये क्या है?
Dune with the Dynasty. It's time to accomplish Shadow Squad mission B off of the Spear Tonight Games in charge. Okay, please don't do it. If a commoner touches the spirit, Shadow Monster, you there, you seem to be a good man. Please let me tell you everything. Come to me tonight. भाई लेट लेट अभी तो भाई कुछ अपना मैं ये मेरे को रात में सारा कुछ बताया कितना बेला नहीं हूँ भाई मैं तेरे पास आऊँ भी ठीक है इसको बताओ यार कोई जाके यार अपने बस यार कुछ नया आइटम वगैरह दिखाया था तो भाई अपना स्क्वाड है और अपने पास और भी बहुत सारे आइटम्स हैं और गाइस मैं सोच रहा हूँ स्क्वाड को फिलहाल अंदर रख के इनसे लड़ते हैं यार ये मुझे थोड़े प्यारे लगे और भाई अपना ये वाला सूट भी अंदर रख के ये वाला लगा और चलते यार लड़ने के लिए इनसेन अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा ही बेकार सामान को कर दिया मुझे लगा उन्हें इंसेन कर दिया वहाँ पे कोई नहीं यार हम लोग कुछ और ही कूट कर लेते हैं बाद में ऐसा पंगा पड़ेगा मेरे को चलो तू भी आ गया अब दिखाओ भाई क्या होगा वेपन्स का कोई चक्कर भाई वेपन्स का भी चक्कर है मुझे वही स्वॉर्ड यूज करनी पड़ेगी क्योंकि भाई अपना लेवल अप हो रहा है ना तो चलो गाइस वो अपने लिए नॉर्मल सा ही हो गया वाओ June the Dynasty had no intention of attacking your outpost. It was Dangoro's idea. I failed to prevent it. Legionnaires will execute me at Dwayne. Please help me escape. We cannot let the tragedy happen. Oh, a patrol is coming. Wow. भाई एक तो ये है भाई इसको छोड़ दो एक तो भाई अपना ये नाइट स्कीप कराना है उसको मुझे और भाई ये ना प्रोटेक्ट द वीक तो दो मिशन है दोनों करते हैं और गाइस इस गेम में ना बहुत ज़्यादा एपिक मज़ा आ रहा है आप लोगों को पता है कि यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार मुझे बोलता है तो प्लीज़ कर दिया करो यार प्लीज़ थोड़ी सी अगर आप लोग को सपोर्ट करते तो अच्छा लगता है भाई सबसे पहले हम उसको नाइट एस्केप कराना है वॉचमैन ओहो तू ज़्यादा नहीं बोल रहा हेलो तेरे जैसे बंदे ना काम पर रखता हूँ मैं चल कॉम्बो फॉर भाई एक तो सच होता है शैडो फाइट मेरा मतलब यार अच्छा लगा दी गेम में ओ भाई भाई ये पागल किया है इंसान पागल हो गया ये इंसान सच्ची पागल हो गया भाई उसने परफेक्ट मार दिया भाई हमने उसको परफेक्ट मार दिया यूएन पावर तो है हमें पावर तो है हम पावरफुल तो हैं ओके तो भाई इस बार ही थोड़ी अच्छी दिहाड़ी दी है इन्होंने हर जगह मुझे ओहो भाई इस बार इन्होंने दिहाड़ी अच्छी लगाई है मेरी भाई ये भी एक आर्मर मिला है एक स्वॉर्ड मिली है उसका लेवल अप हुआ है अपनी वही स्वॉर्ड का और ये शैडो एनर्जी क्या है भाई मुझे अब तक ये नहीं समझ आया शैडो एनर्जी क्या क्विक लेट्स गो बिफोर ही रिकवर्स द कैंप इज एम्प्टी गिम्जो हैज प्रॉबली गोन विद द स्क्वाड वी हैव टू स्टॉप हिम एट ऑल कॉस्ट द स्पेयर इज डेंजरस ओके अरे भोले आप तो रांची स्टेडियम में पिच पे रोलर तो गाइस जब हम ये वाली फाइट करने जा रहे हैं एक बार उस बंदे को प्रोटेक्ट द वीक है जो उसको भी जाके बचाते हैं और पता नहीं क्या है वो मुझे पता नहीं है तो वो पता नहीं उसको जाके करते हैं मतलब मिशन को मस्त करते हैं पता नहीं है क्या होने वाला है वहाँ पे तो ओके राउंड वन कंपटीशन ओ भाई ये क्या है अच्छा कॉम्बो मारेगा ना मुझ भाई जी ये बहुत गंदा मारता है अरे गंदा भाई सामने वाला टिक ही ना देता हूँ मार रहा है तो भाई ये मारा जो सीना वाला है तो गाइस वो हार चुकी है और आप कभी हमेशा के लिए जीत चुके हैं अगर आप लोगों को ये वाला गेम प्ले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जाके लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना
अगली गेम प्ले वीडियो में स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी और हमें और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। आज की गेम प्ले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस गेम प्ले वीडियो। गुड बाय।